वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक फिजिक्स की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। मैंने आपको बताता चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन भी हो चुका है और इसका आंसर मैंने आपको बोला है कि आप स्कूल से नोट्स बाय करेंगे और उसमें पेज नंबर 21 पर इन तीनों के आंसर्स मौजूद हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ मोशन विद एग्जांपल्स, ये भी आपके पास पेज नंबर 21 में नोट्स में मौजूद है। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ और इनके पेज नंबर भी मैंने बता दिए हैं आप लोगों को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोला है, अगर मैंने जो डेरिवेशन एक्सप्लेन की है अगर आप वो लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लें, नहीं तो आपके पास जो नोट्स के पेज नंबर गिवन है आप वो लिख लें, यह आपकी मर्जी है। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या पेपर में इसका क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि प्रूव डैट 2A is equals to VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। अगर आपको रिटर्न वर्क कहीं से भी लिखना है तो आप पेज नंबर 25 में नोट्स से लिख सकते हैं, नहीं तो जो डेरिवेशन मैं आज एक्सप्लेन करूंगा अगर आपको वो लिखनी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। ठीक है, यहाँ हमारे पास आ गई है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सपोज आ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। क्या बोल रहे हैं, एक बॉडी है वो मूव कर रही है एक इनिशियल वेलोसिटी से, जिसको हम वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट्स गोइंग एंड इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और कुछ वक्त में उसके अंदर जो है एक्सीलरेशन पैदा होता है, जिसको आप किससे प्रोड्यूस रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, फॉर अ टाइम टी, और कुछ टाइम भी लगता है, सच डैट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स वी एफ। उसके बाद वो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, वी एफ हो जाती है। ओके, एंड इट्स कवर अ डिस्प्लेसमेंट, और कुछ फासला तय करने के बाद वो डिस्प्लेसमेंट भी तय करती है, जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आपको पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। बाय द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, वी इज इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू, इसको इक्वेशन 1 सपोज करेंगे आप। ठीक है, इसी तरीके से बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट बराबर यानी कि एस बराबर होता है वी टी के, इसको इक्वेशन 2 सपोज करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अब हम क्या करने जा रहे हैं, वैल्यू इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 में पुट करने जा रहे हैं। किस तरीके से, देखिए इक्वेशन 2 का एस अपनी जगह पर मौजूद है वी, अब वी की जगह अब एस इज इक्वल्स के बाद जो वी है इसकी जगह हम वी की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि वी बराबर किसके है, इस ये सारी वैल्यू के, तो हम ये वैल्यू उठा के लिख देंगे, वी नहीं लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिखूँगा वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू, वी की जगह मैंने लिख दिया वी की वैल्यू वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू, टी अपनी जगह पर मौजूद था, टी लग गया है यहाँ। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम वी आई यहाँ पर प्लस में था, नेक्स्ट स्टेप में माइनस का हो जाएगा, तो आप देखें एक्सीलरेशन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए बन गया, बराबर किसके हो गया, टी के। याद रखिएगा कि टी बराबर किसके है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए के। ओके, पुटिंग इन इक्वेजन 3, अब हम इसको किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेजन 3 में पुट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि एस इज इक्वल्स टू VF प्लस वी आई अपॉन टू, इसी तरीके से ये अपनी जगह पे चलता हुआ आ रहा था VI प्लस VF अपॉन टू। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर जो T था, यानी हमने कुछ भी नहीं किया बेटा, पुटिंग इन इक्वेशन 3 के बाद क्या करा, दोबारा से इक्वेशन 3 की वैल्यू लिखी, S लिखा है, S यहाँ पर आ गया, VI प्लस VF अपॉन टू था, आ गया। अब यहाँ पर जो T था उसकी जगह मैंने T की वैल्यू लिख दी, T की वैल्यू क्या थी, T इज इक्वल्स टू ये T की वैल्यू थी, तो देखें मैंने T की वैल्यू लिख दी है, T की वैल्यू क्या है, VF माइनस VI अपॉन A। अब यहाँ पर थर्ड अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, VF यहाँ पर कितने हैं बेटा, 2 हैं, माइनस की सॉरी VI कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं, तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, S अपनी जगह पर मौजूद था, एस अपनी जगह पर मौजूद था, वी एफ 2 थे तो मैंने वी एफ का स्क्वायर लगा दिया, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, वी आई यहाँ पर 2 थे तो मैंने वी आई के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। अब नीचे देखिए आपके पास यहाँ 2 और ए बच रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग मैंने इसका 2 और ए यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, थर्ड स्टेप में लास्ट स्टेप है हमारा, क्या करेंगे, 2S यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2AS बन जाएगा, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, दिस इज़ कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरीके से आप चाहें तो ये वाली डेरिवेशन रजिस्टर में कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास
नोट्स का पेज नंबर भी मौजूद है, आप वहाँ से कॉपी डाउन कर सकते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, आपको लाजमी ये वीडियो देखने के बाद अपना सारा काम कंप्लीट करके चेक करवाने आना है, जो कि आपको नोट्स से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, What is gravitational force? Explain the acceleration due to gravity. याद रहे इसका आंसर आपको कॉपी डाउन करना है नोट्स में से, फ्रॉम नोट्स लिखा हुआ है, फ्रॉम नोट्स। पेज नंबर 26 पर जाइए और नोट्स में से ये क्वेश्चन आंसर कॉपी करके दीजिए। ओके, और बाकी क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये तीनों मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था, डिस्टेंस की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, स्पीड की डेफिनेशन, वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म और वेरिएबल। याद रहे ये तीनों जो डिफरेंस है आपको नोट्स में मिलेंगे, बस आपको कॉपी डाउन करने हैं डायरेक्ट। पेज नंबर 26 पर तीनों मिलेंगे, सामने दिया गया नोट्स। इन तीनों क्वेश्चंस को भी आपने कॉपी डाउन करना है। इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इस क्वेश्चन को भी आपने कहां से कॉपी डाउन करना है, नोट्स में से। तो आज हमारा ये चैप्टर डन हो गया, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये वाला क्वेश्चन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला समझ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब हमारी आएगी तो हम देखेंगे कि हमें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं या चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करना है। ओके, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, क्या बोला जा रहा है, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, इट राइजेस टू अ पार्टिकुलर हाइट एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, और तो वो एक ख़ास ऊंचाई की तरफ जाता है और उसके बाद वापस नीचे आ जाता है और ग्राउंड में गिर जाता है। दिस इज़ ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, और ये क्यों होता है, अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से होता है। सिर्फ बेटा मैं आपको यहाँ से ये टॉपिक समझा रहा हूँ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको जो भी काम करना है याद रहे उसके लिए मैंने आप लोगों को पेज नंबर मेंशन कर दिए हैं रजिस्टर में, और आपको वहाँ से आज अब थर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट करके देना है। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट विच पुल्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द ग्राउंड, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट को वो जो है हम लोग पुल करते हैं, उसके बाद जो है अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिस अट्रैक्शन कॉज इट एक्सीलरेशन, जैसे आप अपवर्ड फेंकते हैं किसी भी चीज़ को अब तो उसकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सीलरेशन, यानी कि ये एक्सीलरेशन है, यानी इसकी वैल्यू जो है बस किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। वेयर एज द ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटेड ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन, और इसी तरीके से डाउनवर्ड मोशन में क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। दिस अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द थ्रोन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और ग्रेविटी एंड द चेंज इन वेलोसिटी। तो इसी तरीके से जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है अट्रैक्ट करता है तो उसकी बॉडी में जो है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है, जिसको आप ग्रेविटी बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। दिस अट्रैक्शन इज नाउन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रहे इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो याद रहे ए जो है वो बराबर किसके होता है, जी के होता है। तो आप देखें ये फर्स्ट इक्वेशन ही है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी की जगह बस क्या आ गया, जी टी आ गया, यानी कि ए की जगह सिर्फ क्या रख दिया है, जी। सेकेंड की तरफ चलते हैं, एस बराबर होता है एच के, तो आप देख लीजिए हाइट का फॉर्मूला आ गया यहाँ पर। अगर आपको हाइट मालूम करनी है तो आप इस फॉर्मूले से मालूम करेंगे, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर, ए की जगह जी, एस की जगह एच, 2as हमने अभी भी डेरिवेशन प्रूव करी है, 2 के बाद a था, a बराबर मैंने आपको बताया जी के होता है, s बराबर किसके होता है, h के। तो आप देख लीजिए 2gh हो गया, vf का स्क्वायर माइनस vf का स्क्वायर। आज इस तरीके से हमारी ये वीडियो डन हो चुकी है। याद रहे अब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमें इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं या फिर हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आपको लाजमी स्कूल से नोट्स बाय करने हैं और आपको ये चैप्टर जो है डन कर मुझे लाजमी इसका वर्क कम्प्लीट करके चेक करवाना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।